अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक ऐसे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसमें आपको बहुत सारे बेसिक फंक्शंस भी मिल जाते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रो फंक्शंस भी मिल जाते हैं। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग की दुनिया में बिल्कुल ही नए हैं एंड आप चाहते हैं कोई ऐसा एडिटर मिले जो कैपेबल हो तो आप इस एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ एस थिंकर वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के बारे में। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इसके वेबसाइट पर चले जाना है एंड यहाँ से आप फ्री ट्रायल में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ट्रायल की कोई भी लिमिट यहां पे नहीं है कि भाई इतने दिन में खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो फुल फीचर्स को एक्सेस करने के लिए इसे बाय भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह की प्राइसिंग इसकी दी गई है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहली चीज आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन से रेशियो में वीडियो बनाना है। जैसे कि 16:9 है दोस्तों, 9:16 अगर आप रील्स वगैरह के लिए बनाना चाहते हो, 4:3, 1:3 सारे ऑप्शन दिए गए, यहां तक कि दोस्तों सिनेमैटिक रेशियो 21:9 भी दिया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बहुत सारे वीडियो एडिटर यही की चीज को मिस कर जाते हैं क्योंकि दुनिया आजकल 16:9 से 18:9, 20:9, 21:9 पे शिफ्ट कर रही है। तो यहां पे ये चीज होना इसमें ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा चलिए हम लोग 16:9 में एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो वीडियो एडिटर ओपन होते ही दोस्तों ऊपर में देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको लोकल मैट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने लोकल वीडियो फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स वगैरह इसमें डाल सकते हो, चाहो तो सब टाइटल भी उठा के डाल सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है ओपनिंग का। इसमें आपको कुछ ऐसी वीडियोस मिल जाती है स्टॉक फुटेजेस जो आपकी वीडियो को स्टार्ट करने में, ओपनिंग करने में दोस्तों काम आएगा। तो अगर आप चाहते हो स्टॉक फुटेजेस तो आप डायरेक्टली इसी ऐप से यूज कर सकते हो। यही नहीं, अगर आप हॉट में जाएंगे तो मीम्स वगैरह भी दोस्तों आप इसी वीडियो एडिटर में से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप देखोगे हॉट में ये फनी सा कुछ मीम जो है दोस्तों क्राई करने वाला, वो सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड मिल जाता है, तो अगर आपको वीडियो का बैकग्राउंड वगैरह देना है तो जो है आप यहीं से चूज कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों सिंपली हम लोग डबल टैप कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट टैप पे जा करके दोस्तों हम लोग यहाँ पे कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अपने फाइल्स को हम लोग चूज कर लेंगे दोस्तों जो भी वीडियो फाइल्स को इंपोर्ट करना है एंड ओके करेंगे तो वो वीडियो फाइल दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस होकर के इंपोर्ट हो जाएगी। उसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो जी हाँ, ये फंक्शन भी आपको मिल जाता है। तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट है जो कि घर से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ बन जाता है। एंड किसी भी फाइल को दोस्तों टाइमलाइन पे लाने के लिए बस उसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना या फिर उसके बगल में दिए गए प्लस बटन को टैप करना है एंड वो फाइल टाइमलाइन पे आ जाएगा। अब दोस्तों वीडियो एडिटिंग बिल्कुल ही इजी है। इजी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप बिल्कुल ही बेसिक वीडियो एडिटिंग में करते हो, कट्स लगाना, वो सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। यानी कि आप सिंपली दोस्तों वीडियो में कहां पे कट लगाना है वहां पे आप अपने स्लाइडर को ले जाओगे, वहां पे ले जाकर कट बटन को टैप करोगे एंड उसके बाद वहां से वीडियो कट हो जाएगी। अगर उस वीडियो कट पार्ट को हटाना तो उसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाओगे, वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बेसिक एडिटिंग इसमें कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे लेफ्ट टैब में तो यहाँ पे मीडिया के बाद म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें जाकर के दोस्तों आप चाहो तो अलग अलग म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों बहुत सारे म्यूजिक दिए गए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे साउंड इफेक्ट भी दिए गए, या फिर आप चाहो तो अपना ही साउंड इफेक्ट या फिर म्यूजिक वगैरह इसके प्रोफाइल में सेव करके रख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट मिल जाते हैं, तो बहुत ही अलग अलग तरह के टेक्स्ट दिए गए, बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशन दिए गए जिनका आप डाउनलोड करके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर ट्रांजिशन वगैरह भी दिए गए हैं दोस्तों, तो आप वीडियो के बीच में ट्रांजिशन वगैरह लगाना चाहो तो वो भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ फिल्टर्स दिए गए, ओवरलेस दिए गए दोस्तों, एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो आप अपनी वीडियो को अगर एक बहुत ही अच्छे तरह से लुक देना चाहते हो तो इसमें आपको हर एक फीचर मौजूद है जितनी आपको यहाँ पे जरूरत है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी वीडियो या ऑडियो पे राइट क्लिक करते हो तो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे कि वीडियो को क्या आपको कॉपी पेस्ट करना है, कट करना है, या फिर दोस्तों एडिटिंग करनी है या क्रॉप करना है उस वीडियो को, यानी कि फ्रेम में थोड़ा सा बड़ा साइज करना वो कर सकते हो, वीडियो को म्यूट करना है या फिर ऑडियो को अलग निकालना है, डिटैच करना है, वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ऑडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, तो वॉइस इन्हांसमेंट के लिए भी ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आप जूम फिल्टर्स डाल सकते हो, मोजाइक वगैरह डाल सकते हो दोस्तों, एंड यहाँ पे अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो तो क्रोमा कटआउट भी इसी में कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी वीडियो पे डबल टैप करो तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों आप उस वीडियो के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, कितना फास्ट चाहिए या फिर कितना स्लो चाहिए ये कर सकते हो, या फिर वीडियो को रिवर्स प्ले करना है, रोटेट करना है, या फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है। तो कई बार होता है ना वीडियो 16:9 में होती है बट हम पोर्ट्रेट में वीडियो किए रहते हैं तो जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक दिखता है, तो आप चाहो तो उसमें आप अलग कलर चूज कर सकते हो या फिर ब्लर डाल सकते हो, यानी कि जो आपका फ्रंट में चल रहा है उसका बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाए पीछे में, या फिर आप कस्टम इमेजेस वगैरह भी यहां पर डाल सकते हो। उसके अलावा फिर ऑडियो एडिटिंग मिल जाती है, मास्किंग का भी यहां पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब मैं एक खास फीचर के बारे में दोस्तों बताता हूं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे टूल्स है जो कि प्रो लेवल के हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं किसी सिंपल बेसिक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में जूम इन या जूम आउट डालता हूं तो शुरू से लेकर के अंत
अंत तक वो जूम इन होता रहता है या जूम आउट होता रहता है। लेकिन इसमें ऐसा फीचर दिया गया है कि अगर आप जूम इन जूम आउट का इफेक्ट डालते हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा एंड अंत से पहले रुक जाएगा। यानी कि आप चूज कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक जूम इन होना चाहिए एंड कहाँ के बाद दोस्तों वो पार्ट वहीं पर स्टॉप हो जाना चाहिए या फिर जूम आउट होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों कलर करेक्शन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह इसमें दिए गए हैं। तो अगर आपको छोटे मोटे कलर्स को फिक्स करना है, कलर चेंज करना है, कंट्रास्ट बढ़ाना है, सैचुरेशन ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो वो काम भी दोस्तों आप इस वीडियो एडिटर से ईजिली कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरह से हम इस वीडियो एडिटर में एडिटिंग कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोग चाहो तो मैं इस वीडियो एडिटर के लिए पूरा फुल ट्यूटोरियल भी ला सकता हूं कि किस तरह से आपको एडिटिंग करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट के मामले में। तो एक्सपोर्ट करने में वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप हाई क्वालिटी में फुल एचडी में एक्सपोर्ट करना चाहते हो या 4K में करना चाहते हो वो सब भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर लिमिटेशंस है। अगर आपको बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी में करना है तो आपको VIP यहाँ पर बाई करना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पर अगर ट्रायल वर्जन पर हो तो पूरा क्वालिटी में तो भाई आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम ऑप्शंस है। आप चाहो तो यहाँ पे दोस्तों बिट रेट को भी चेंज कर सकते हो, फ्रेम रेट को भी चेंज कर सकते हो, रेजोल्यूशन को तो मिल ही जाता है, इनकोडर वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड उसके बाद जो एक्सपोर्टिंग टाइम है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे फास्ट तरीके से एक्सपोर्ट भी हो जाता है। एंड एक्सपोर्ट होने के बाद हमारा ये जो वीडियो बना है वो एक छोटा सा दोस्तों मैंने क्लिप इस्तेमाल किया है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही बना है, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स वगैरह डाले हैं, कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाले हैं। ओवरऑल दोस्तों ये जो एस थिंकर का वीडियो एडिटर है ये काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड अगर आप एक बिगिनर यूज़र हैं, नया नया वीडियो एडिटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कि इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप मज़ा ले सकते हैं वीडियो एडिटिंग का अपने PC पे इजीली। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।